104 मिलिता मुझेना तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशहविलाकान्तं श्रीराधाकान्तनमस्तुते। तत्कञ्चलोरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदत्तये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यव्रतये नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म जितिलाल प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमान भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म जितिलाल प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रील भक्त विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में बता रहे थे हरिनाम कैसे करनी चाहिए। हरिनाम करते तो है लेकिन बड़े हरिनाम करते करते उसका फल ही नहीं मिलता है। इसका क्या कारण है? बोले कारण है जैसे हरिनाम करने चाहिए हम वैसे हरिनाम नहीं करते। बोले तीन दोस्त को छोड़ करके हरिनाम करने चाहिए, क्या बताओ? अरे बोलो क्या? उदासीन जाड्य और विक्षेप। इसलिए कहती है तीन दोस्त से होकर के अगर हरिनाम करेंगे तभी हरिनाम हमें जरूर फल देगा। इसलिए लास्ट में कहती है सुन रहे थे हरिनाम शुद्ध रूप में करने के लिए एक स्थान पर बैठ करके, एक तुलसी को सामने बैठ करके, ठाकुर जी को सामने बैठ करके और एकांत में बैठ करके हरिनाम करनी चाहिए। और लास्ट में कहते हैं बोले कृष्ण नाम लय कांदे निज दोष बले अति शीघ्र पाप तार जाए भक्ति बले। हरिनाम करते समय कैसे करनी चाहिए? बोले रोदन करके, रो रो करके हरिनाम करनी चाहिए। जैसे जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माता जी उसे स्तन नहीं पिलाती, इसलिए हरिनाम करते समय रो रो करके हे ठाकुर जी आपको हम भूल करके ये घोर संसार में आ गए हैं। अगर जिसकी अगर किसी सर में आग लग जाए फिर क्या बोलेगा? किसी शरीर में आग लग जाए तो क्या करेगा? बचाओ 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 हैं। उसी तरह अभी हमें सबर कहते हैं ना संसार नललीलोक त्राणाय कारुणा
संसार को दावा नल बताया है। इसलिए अगर हमारी ये अनुभूति हो सचमुच से संसार के दावा नल में हम दग्धि होते तो क्या करेगा, बचाओ बचाओ रो रो करके भगवान का नाम को ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए श्री बामन गोस्वामी महाराज के पास में किसी ने आया बोले गुरुदेव कैसे भजन करनी चाहिए, बोले रोना सीखो, रोना सीखो। संसार के लोग क्यों साधना तो उपवास में आते, हम संसार को सब रो रहे हैं तब कौन नहीं रोता है संसार को, सबके सब रो ही रहे। इसलिए साधु संत के पास में आते हैं भैया संसार से थोड़ा छुटकारा मिले, इनको पास में आकर थोड़ा शांति मिले, लेकिन वो कहते रोना सीखो। इसको सुनकर तो बड़ा कन्फ्यूजन पड़े, बोले हम तो सुख पाने के लिए आए, वो कहते रोना ही सीखो। अभी घर में गई रात भर सोचते रहे, गुरु जी बोले रोना सीखो रोना सीखो, हम तो रो ही आए और कितना रोएंगे। फिर दूसरे दिन यार बोले गुरुदेव आप बताए रोना सीखो, हम तो रो ही रहे हैं और कितना रोएंगे, इसका मतलब क्या है। तब महाराज जी बताए देख बेटा जब तक बच्चा नहीं रोता है ना तब तक माता उसको दूध नहीं पिलाती, इसलिए जब तक तुम भगवान के नाम को लेकर नहीं रोओगे तब तक भगवान के हृदय भी पिघलने नहीं। इसलिए भगवान के नाम ले लेकर हमें क्या करनी चाहिए, रोना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। अभी यहाँ पर बता रहे हैं नाम श्री नाम साधन क्रम, मतलब भगवान का नाम साधन का क्रम क्या है, कैसे हरि नाम करनी चाहिए। कहिए कहाँ से उद्धृत किया, बोले सठ संदर्भ से। इसलिए प्रभुपाद कहते बोले बोले प्रथम अनस्त ग्रंथ साधक राधा कृष्ण रास लीला श्रवण कीर्तन स्मरण आदि ना कर या नामे श्रवण कीर्तन आदि द्वारा अंतकरण विशुद्धार्थ अपेक्षा करिए। जिनके हृदय में अनर्थ ग्रस्त है उनको क्या करनी चाहिए, खबरदार ये रासलीला को चिंतन नहीं करनी चाहिए, फिर खुद रासलीला करना शुरू करते हैं। इसलिए अनर्थ अवस्था में कुछ कुछ जो सहजा लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, बैठ जाएंगे कैसे राधा कृष्ण गोविंद वृंद, किसने कहा मेरे को हरे वृंद, राधा कुंड में एक साधु है वो क्या करता है, वो साधु बोले कृष्ण अभी कहाँ कहाँ पर है ना बोल देता है, क्योंकि हमारे श्री हैं श्री जो अष्टकालीय जो लीला है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जिन्हें श्री विश्वनाथ चंद्र ठाकुर ने अष्टकाल में भगवान कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे लीला करके बताया गया, सदर कैसे निशांत लीला है, उसके बाद में कैसे दो चार आने के लिए जाते हैं, दोपहर में राधा कुंड में जाते हैं, शाम को कभी जाते हैं सूर्य कुंड में, वहाँ पर कैसे कैसे राधा रानी सखियों के साथ में पासा करते हैं, कैसे राधा कुंड में जल विहार करते हैं, हिंदू लीला करते हैं, कैसे वहाँ पर नौका विहार करते हैं, सब वर्णना की ना कृष्णदास कविराज गोस्वामी और श्री विश्वनाथ चंद्र ठाकुर वर्णना किया है, उसको पढ़ लेते हैं और पढ़ कर क्या करके बैठ जाते हैं, बैठ करके उसको चिंतन करते हैं, अभी कृष्ण भैया चला गया है, अभी राधा रानी को साथ में गलबरियाँ देकर बिल्कुल दोनों बैठे हुए हैं। इसलिए ये लोग क्या करते हैं उस लीला को चिंतन कर लग जाते हैं, लीला स्मरण कर लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते नहीं, अनधिकार अवस्था में भगवान की माधुर्य लीला को स्मरण करोगे हैं, माधुर्य लीला को स्मरण करोगे फिर तो हमारी जड़ बुद्धि होगी, हमारी क्या भावना होगी, जैसे राधा रानी इसी जगत में मान करते कृष्ण मनाते हैं, जैसे पूज्य में विहार करते, अगर उसका स्मरण करोगे ना अपना राधा जी की याद आए और अपना राधा जी की याद आए फिर हृदय में काम भाव जागृत होगा। इसलिए हमने देखा है गुरु जी ने कुछ कुछ भक्तों को मना किया था, बोले नहीं ये सब लीला को स्मरण नहीं करना, अनधिकारी अवस्था में
राधा कृष्ण की लीला कथा को नहीं, गोपियों की लीला कथा को सुनना नहीं, सुनाना नहीं, लेकिन लोगों को यही अच्छी लगती है। अभी विशेष करके जो विदेशी लोगों को ज़्यादा यही चीज़ अच्छी लगती है कि वो लीला खुद करते हैं, इसलिए उनको यही चीज़ अच्छी लगती है। गुरुदेव ने मना किया ऐसा नहीं करना, लेकिन जिन जिनों ने गुरुदेव का आदेश उल्लंघन किया बाद में शादी किया, सन्यासी को बाद में भी शादी किया और बड़े उत्पात मचाए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं बोले अनर्थावस्था में भगवान की रासलीला आदि कीर्तन स्मरण नहीं करनी चाहिए। इसलिए क्योंकि जो अंतकरण विशुद्धार तो अपेक्षा करवे, मतलब जब तुम्हारी अंतकरण शुद्ध नहीं हो जाए, अगर ये सब लीला को स्मरण कीर्तन करोगे बस भगवान के प्रति जड़ बुद्धि आएगी। कृष्ण कैसे राधा रानी को आलिंगन करते, अरे बता हमारे मन में क्या है, हम क्या सोच सकते हैं, हमारे हृदय में काम आएगा, हम भी एक लड़की को शादी कर ले, राधा बना कर तो उसको साथ में भी लीला करें। इसलिए बोले साधु सावधान, पर क्या करनी चाहिए, बोले श्री नाम नामिते अभेद बुद्धि व्यतीत साधक अंतर्मुख है ते बारे ना। अगर अंतर्मुख मतलब धीरे 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 ये विषय वासना को छोड़ कर की सारी इंद्रियों को धीरे 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 भगवत भक्ति में लगाना, तो क्या करनी चाहिए, पहले भगवान और ऊपर नाम में अभेद अभेद बुद्धि हो, अभेद बुद्धि हो भगवान और ऊपर नाम में कोई फर्क नहीं हो, एक ही है। इसलिए बोले नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रसद ग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिने, भगवान और उनका नाम कोई फर्क नहीं, वो एक ही है, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, इसलिए भगवान से बढ़कर उनका नाम है। सुमिर नाम रूप गुण देखे कड़ी लगे नादा, श्री राधे राधे नाम के बाद खिंचियाएंगे आखिर एक दिन श्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम, जिससे बड़ा प्रभु का नाम। इसलिए भगवान और उनका नाम, बल्कि भगवान से उनके नाम की ज्यादा महत्व है, यदि ये बुद्धि हमारे हृदय में आनी चाहिए। कहते अंतर्मुख भक्त प्रथमे दस अपराध त्याग पूर्वक केवल नाम स्मरण और कीर्तन निरंतर जो लाभ करिवे। कहते जो साधारण अनर्थ ग्रस्त जो जीव, उनको क्या करनी चाहिए, उनको पहले कोशिश करनी चाहिए दस तरह का जो नामापराध है, ये नामापराध को त्याग करके उनको क्या करनी चाहिए, उनको त्याग पूर्वक नाम स्मरण कीर्तन नैतर्ज लाभ करेंगे, हर समय भगवान का नाम को स्मरण करते करते। इसलिए श्री गौरकिशोर दास गौरजी महाराज कहते हैं अगर तुम्हारी भगवान के नाम में रुचि नहीं हो रही है, वह नाम लेते समय मन अगर इधर उधर जाता है पर क्या करो, बोले जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये नाम को लिख करके उसको पढ़ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, नाम को देख देख रहना, करते 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 क्या होगा, भगवान और उनका नाम में कोई भेद नहीं, करिए मन धीरे 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 मन अपने आप शांत हो जाता है। इसलिए हरि नाम करते समय इधर उधर चीज को स्मरण नहीं करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ऐसे नाम
काम करनी चाहिए। इसने मन मन में करते 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 बस सोई गई। इसलिए हरिनाम करने के लिए विश्वनाथ को ठाकुर कहते हैं पांच दोष को त्याग करनी चाहिए, लय, विखे, अप्रतिपति, कसाय और कसास्वा। ये पांच दोष है। क्या क्या है? लय, लय मतलब होता है सो जाना, लय मतलब होता है सो जाना, हरिनाम करते 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 सो जाना। विखे है, विखे मतलब होता है चित्त की चंचलता, है चित्त की चंचलता कब खत्म होगा, अभी तक खत्म नहीं हो रही। नहीं, हरिनाम करते समय नाम रस को आस्वादन करते हुए और ज्यादा करे, और ज्यादा करे, और ज्यादा करे, ये भावना होनी चाहिए है। इसलिए उसने बताए पांच दोष को, माधुर्य का दमन में ये पांच दोष को दूर करते हुए हरिनाम करनी चाहिए। रसास्वाद, रसास्वाद मतलब जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इधर नाम कर रहे लेकिन जो मन है ना किसी दोस्त को पास चला गया, अरे उसको साथ में हम घूम रहे, मल में गए, गोल गप्पे खा रहे, बात कर रहे, अरे हरिनाम कर कर रहे लेकिन जो मन है ना, अरे दूसरे कोई चीज को चीज पर उसका आनंद ले रहा है, वो दूसरे चीज का आनंद ले रहे लेकिन इधर हरिनाम कर रहे हैं, इधर हरिनाम। इसलिए इस सब दोष को त्याग देनी चाहिए। अभिनिवेश, अभिनिवेश मतलब होता है जैसे भरत महाराज भजन तो कर रहे थे लेकिन उनको अभिनिवेश कहा हो गया, दूसरे जीवन में दीर्घ चिंतन करते करते अगले जीवन में भजन तो कर रहे थे लेकिन अभिनिवेश हुआ था इसलिए उनको हिरण्य जन्म लेना पड़ा। इसलिए कहते हरिनाम करते समय केवल नाम को स्मरण करते हुए एकाग्र मन से पुकार पुकार करके रो रो करके हरिनाम ग्रहण करनी चाहिए। अगर यही समय करता है ना मतलब बड़ी जल्दी से जल्दी आप देखना अनुभूति हो जाता है, बड़ी जल्दी से जल्दी भगवत तत्व की उसको द्वारा क्या होगा, बोले नाम स्पष्ट स्थिर और सुखकर है ले श्री श्याम सुंदर रूप ध्यान करवे। पहले नाम है, पहले नाम में मन को लगाओ। नाम कैसे, पहले नाम पहले स्पष्ट रूप में नाम को हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, उसको लोग संख्या पूरी करने के लिए ऐसे ऐसे हरे नाम करते हैं, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, बोले नहीं नाम को स्पष्ट रूप में नाम को उच्चारण करनी चाहिए। इसे स्थिर और सुखकर है ले, जब मन स्पष्ट रूप में उच्चारण करते हुए मन स्थिर हो जाएगा फिर भगवान नाम करने में हमें आनंद आएगा, भगवत नाम में हमें आनंद आएगा। करने पर क्या होगा, बोले श्री श्याम सुंदर रूप ध्यान करवे। उसके बाद में भगवान का जो रूप है नाम से करो कि रूप का ध्यान करो, कैसे कृष्ण श्री भगवान ललित रूप में कैसे खड़े हैं। इसलिए बराह पिडम नटवर बपू कैसे मर उठ लगाए, कैसे तीन जगह से भगवान टेढ़े, कैसे कान में तबियर फूल डाले, गले में बैजयंती माला, कैसे सुंदर हैं सखाएं कभी सखियां, सुंदर लता पता फूल से भगवान को सुंदर कैसे श्रृंगार करके रखी, कैसे ठाकुर जी बड़े मीठी मीठी प्यारी प्यारी बंसुरी बजा रहे हैं, कभी सखियों के साथ में कभी कृष्ण सखाओं के साथ में वृंदावन में कैसे प्रवेश कर रहे हैं, कैसे ठाकुर जी पीताम्बर पहने हुए मीठी मीठी कैसे ठाकुर जी हंस रहे हैं। कहते नाम के बाद उनकी जब मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा फिर उनकी रूप का स्मरण करने लग जाएंगे ध्यान करने, मतलब हस्ते माला संख्या मनी व मुखे कृष्ण नामानुसंधान करते करते नामार्थ जेरु तहा चिन्मय चिन्मय ने दर्शन करते थारुवे। कत हस्ते माला संख्या मनी व मुखे हैं कृष्ण नामानुसंधान करते करते नामार्थ जेरु तहा चिन्मय ने दर्शन करते थारुवे। भगवान के नाम को जप करते करते हैं कत मुखे
कृष्णानुसंधान करते करते हाथों में भगवत नाम को जप करते करते उधर कृष्णानुसंधान करते करते क्या होगा, बोले नामार्थ जे रूप था चिन्ह नयन दर्शन करते था क्या होगा, भगवान की नाम रूप धीरे धीरे भगवान की गुण फिर उनकी लीला फिर नाम करते करते तो उनकी लीला जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ना, फिर भगवान की नई नई लीला ठाकुर जी की नई नई लीला हृदय में प्रकट होगी। लेकिन जो लोग अष्टकालीय लीला चिंतन करते हैं रोज एक ही लीला, कृष्ण कैसे उठ रहे हैं, कैसे कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण कैसे खा रहे हैं, कृष्ण कैसे घूम रहे हैं, गैया एक ही लीला स्मरण करते हैं। लेकिन जब हृदय अनर्थ से दूर हो जाएगा, हृदय जब शुद्ध हो जाएगा, अब कहना एक लीला स्मरण नहीं, एक लीला नहीं, भगवान की तो अनंत लीला है, भगवान की अनंत लीला ठाकुर जी की नई नई रोज रोज ठाकुर जी। जैसा हमारे गोस्वामियों ने श्री गौमुख गोस्वामी महाराज कह रहे थे, पहले हमारी गोस्वामियों ने जो वर्णना किया है, रूप गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चतुर ठाकुर, जो कुछ कुछ लीलाओं का स्मरण किया, उनने केवल एक हिंट दिया, इंगित दिया है ऐसे ऐसे भगवान की लीला। लेकिन जब हृदय पवित्र शुद्ध हो जाएगा, एक लीला में नई 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 लीला हाँ हृदय में नई नई लीला हृदय में अपने आप प्रकाश होने लगता है। इसलिए कहते आप आर्टिफिशियल रूप में ये सब चीज को हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बोले चिन्मय नेत्र में हैं। इसलिए ब्रह्मा क्या कहते हैं, प्रेमांजन छोरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सुविलोकयतम जन श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। भजन करते करते भक्ति करते करते जब प्रेम रूपी आंजन आंख में लगाएंगे हैं क्या होगा, प्रेमांजन छोरित भक्ति विलोचन भक्ति विलोचन भक्ति रूपी विशेष लोचन के द्वारा हैं संत दर्शन कौन करते हैं, शुद्ध साधु दर्शन करते हैं अपना हृदय में विलोकयतम विशेष पूर्वक उनको दर्शन करते हैं, बोले जब श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम जो हमारी चिंता से अचिंत जो अतीत है ऐसे ऐसे जो भगवान की भगवान नाम रूप गुण लीला अपने आप प्रभु की अपने आप दर्शन होने लग जाते हैं। अथवा श्री मूर्ति सम्मुख बसिया रूप दर्शन और नाम स्मरण आदि पर कहते हैं कभी कभी ठाकुर जी को सामने बैठ करके ठाकुर जी को दर्शन करते हुए कभी कभी हरिनाम कर सकते हैं है? हरिनाम करते सकते हैं। कहते नाम सहित रूप एकत्व प्राप्त है कृष्ण गुण सकल स्मरण आनीते अभ्यास करिवे नाम रूप गुण एकत्र अभ्यास करिले प्रथमे मंत्र ध्यान में लीला स्मरण करिया तहा नाम रूप गुणेर सहित अत्य करिया लईबे एही समय ही नाम रसे उदय है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कभी कभी ठाकुर के सामने बैठी करके ठाकुर को सामने बैठी करके कहते भगवान की नाम करना ऐसे करते करते बोले नाम है सही तो रूपे एकत्व प्राप्त हो गए। जब भगवान का नाम और इनके रूप भगवान का नाम और जब इनका रूप जब एकत्व प्राप्त हो जाता है भगवान नाम रूप में कोई भारत नहीं एकत्व प्राप्त हिले कृष्ण गुण स्मरणी आनी तक अभ्यास कर ले। उसके बाद में क्या करना भगवान की जो गुण है हैं उसको कोशिश करना उसको मन में लाने के लिए भगवान कितने दयालु है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। इसलिए कृष्णा हे कृष्ण करुणा सिंधु कृष्ण कैसे दया की सागर करुणा के सिंधु बोले दीना बंधो। उसके बाद में
जगतपति। जब उनको पहले बोले हे कृष्णा, कृष्णा सुनकर बड़े खुश हुए, बोले मेरे को स्तुति कर रहे। लेकिन जब बोले करुणा सिंधु, भगवान और प्रसन्न हो, बोले और कुछ बोलो, बोले दीन बंधो, बोले आप तो दीनों का बंधु हो हैं। बोले फिर बोले जगत पते, आप जगत की स्वामी हो, भगवान और प्रसन्न हुए। लेकिन बोले और बता आगे कुछ, बोले गोपी सब गोपी का काम। जब बोले आप गोपियों का काम है, भगवान ज्यादा खुश हो रहा, ये सही बताया हमसे गोपी का। बोले और कुछ आगे है, बोले राधा कांत नमस्ते, आप तो श्री राधा रानी की कांत हो, प्रिय तो बास कृष्ण पूर्ण प्रसन्न हो गए। इसलिए कि धीरे 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 भगवान की जो गुण है, वो गुण को धीरे 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 स्मरण करनी चाहिए। उनका गुण का एक श्लोक है, बताओ कोई श्लोक है उनका गुण को, कहते अहो बकियम स्तन काल कूटम, उसके बाद में जिज्ञासया अपि असाभि लेभे धातुं चितं गतन्नम कम्बा दयालु शरणं ब्रजे। जब से सुखदेव गोस्वामी हैं, जब से सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक को उन्होंने सुने, उन्होंने सारे ब्रह्म ध्यान को छोड़ करके भागे वहां से। पर इतने कृष्ण दयालु, जो पुतना थी जिसका दिल में सारे अपगुण है, कोई सद्गुण नहीं, पहला नंबर पुतना जो अपवित्र है, राक्षसी है, तीसरे बोले रुद्रासना, और करती थी क्या, भगवान को मारने के लिए आई है। लेकिन भगवान की कोई दोष नहीं देखे, वो जो एक माँ के रूप धारण करते हुए आई थी, जो उन्होंने एक सेकंड के लिए केवल कृष्ण को देखा, बोले मैया जसोदा ऐसे लाला को थोड़ी पढ़ने में झुलाते हैं, इसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए, बस कृष्ण इतने भी खुश हुए। और क्या स्थान दे दिया उनको, गोलोक वृंदावन में धाई मैया की स्थान दे दिया, ऐसे कृष्ण दयालु। इसलिए क्या करनी चाहिए, उनकी जो गुण है, पहले नाम, उसके बाद में उनका रूप, फिर उसके बाद में उनकी गुण, कहते इसको एकत्र अभ्यस्त भाईले प्रथमे मंत्र ध्यान महिला स्मरण कर आता हा, नाम रूप गुणे सहित अक्यलया करिया लैवे। कहते इसको अभ्यास करते करते उनका नाम रूप गुण लीला एक ही है, हैं? इसलिए कहते स्मरण करते करते नाम रूप गुणे सहित अक्य करिवे, उनका नाम रूप गुण लीला वो एक ही है। यही समय यही नाम रस उदय है, बोले नाम रस का कब उदय होगा, नाम रस कहते नाम रस तभी उदय होगा जब नाम रूप गुण लीला को आप एकत्र करोगे, तभी उनमें नाम में रस आएगा। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं धीरे 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 ये साधन कैसे धीरे 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 आगे कैसे धीरे धीरे बढ़ेगी। इसलिए कहते हैं साधन यहाँ पर बताए, एक मंत्रमय उपासना और एक है स्वारस्य की, अष्टकार्य लीला ध्यान करते करते हैं संपूर्ण रसोदय है। दो तरह का उपासना बताया, कहते एक मंत्रमय और एक है स्वारस्य की। स्वारस्य की और एक है मंत्र ध्यानमय धारणा। मंत्र ध्यानमय मतलब होता है जैसे एक लीला को हर समय एक लीला को स्मरण करना, और जो स्वारस्य की जो होता है अष्टकालीय जो लीला है भगवान की, भगवान आठ जो काल में जो अलग अलग जो लीला करते हैं, हैं कहते उसको स्मरण करना। उसको करते 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 क्या होगा, बोले धीरे 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 हमारे रस, हमारे नाम में तभी हमारी रस धीरे धीरे हृदय में रस का उदय होगा। कहते यही साधन है आरंभकालीन साधक प्राय कनिष्ठ भाव प्राप्त अनति विलंब, ही साधक
उत्तम साधु संगे मध्यम भक्त से उत्तम भक्त मध्य परिणत भान। कहते पहले तो इसका जब पहले साधन करते हैं, पहले साधक पहले कनिष्ठ, लेकिन धीरे 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 ऐसे करते 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 जब उत्तम साधु का हम संग करते हैं, हम जब उत्तम साधु संग करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर मध्यम भक्त में वो आ जाता है, और मध्यम भक्त से धीरे 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 फिर वो उत्तम भक्त में परिणत हो जाता है। कनिष्ठ अवस्था है कि छो दीन नामा अभ्यास है, नामा अभ्यास है अनर्थ दूर है ले शुद्ध नामाधिकारी को वैष्णव सेवा दीदार है। बल जब कनिष्ठ अवस्था में होता है, इसको पहले क्या होता है, पहले नामाभास होता है, पहले नामाभास उदय होता है, लेकिन ये नामाभास करते 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 धीरे धीरे अनर्थ दूर होते होते धीरे धीरे ये शुद्ध नाम की उच्चारण होता है। एक साथ में शुद्ध नाम उसको उच्चारण नहीं होता है, फिर उसके बाद में उसको क्या होता है, बोले वैष्णव सेवा के अधिकार प्राप्त, और धीरे 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 वो भक्त फिर उत्तम भक्त होता है। पहले नाम अपराध नाम लेता है, जिसको करते करते फिर उनको नामा भास होता है, फिर उसके बाद में धीरे 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 जीव शुद्ध नाम धीरे धीरे उच्चारण करता है, फिर धीरे धीरे जीव उत्तम वैष्णव नाम से प्रख्यात हो जाता है। कभी ये हरि नाम चिंतामणि में ये बात बताए, हम कैसे नाम को धीरे 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 आगे बढ़ा सकते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ये हरिनाम चिंतामणि में ये सब बात को बताए, ठीक है। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको बाद में बता रहे, पर जैव धर्म में ये तो हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में, अरे जैव धर्म में, ले जैव धर्म में जो बताए, बोले प्रतिदिन निर्जने कियत काल विषय उत्पाद त्याग पूर्वक भावे सहित नाम करें। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कुछ समय क्या करनी चाहिए, निर्जन एकांत में बैठ करके ये हृदय से सारे विषय चिंता को दूर करते हुए भाव को साथ में प्रेम पूर्वक हरिनाम कुछ दिन करनी चाहिए। करने से क्या अवल क्रमे क्रमे एक अर्जन समय वृद्धि करेंगे, से सकल समय एक अद्भुत भाव उदय रहे। तब जब ऐसे धीरे धीरे हम करते रहेंगे, फिर क्या होगा, बोले धीरे 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 नाम में धीरे धीरे रुचि आने लग जाएगी, फिर क्या होगा, हृदय में एक अद्भुत भाव हृदय में जागृत होगा, एक अद्भुत भाव जागृत होगा, तखन उत्पात आग निकटे आशित भय करीबे। जैसे अभी हम भजन करते हैं, जीवन में कितने तरह तरह का बाधा विपत्ति आता है, मन में भी कितने तरह का बाधा विपत्ति आती है, मन में भी कितने तरह का इधर उधर चिंता आती है, लेकिन कहते अगर ऐसे कुछ दिन अगर हरिनाम करेंगे, फिर क्या होगा, धीरे धीरे जितने तुम्हारे उत्पाद है जीवन में जितने बाधाएं हैं, क्या तो अपने आप धीरे 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 ये खत्म हो जाएगी, अपने आप हृदय से खत्म हो जाएगी। श्री मूर्ति सम्मुखे कृष्ण नाम शुद्ध भावे श्रवण कीर्तन स्मरण आदि हैले नाम साधन हैल। नाम साधन कैसे करनी चाहिए, जैसे कभी तुलसी को सामने एकांत में बैठ करके, और कभी कभी श्री ठाकुर जी को सामने हैं भगवान की नाम की श्रवण कीर्तन स्मरण आदि कर ले, धीरे धीरे क्या होगा, बोले धीरे धीरे ये नाम में धीरे धीरे हमें रुचि होगी, नाम साधन है ले, जेखाने मूर्ति नाई सेखाने श्री मूर्ति स्मरण पूर्वक श्री मूर्ति ते तहार नाम श्रवण कीर्तन आदि समस्त नवविध अंगेर साधन है ते पारिवे। जैसे यहाँ पर मूर्ति है,
मूर्ति को सामने बैठ करता हरि नाम किए, लेकिन कहते जहाँ पर हरि मूर्ति नहीं वहाँ पर क्या करोगे, तो वहाँ पर क्या करोगे, कहते मूर्ति स्मरण पूर्वक, मूर्ति नहीं उसको क्या करना, सर भगवान की मूर्ति को स्मरण पूर्वक ताहर नाम श्रवण कीर्तन आदि हैं जो समस्त जो नवनीत अंगर साधन होते पारे हैं, इसलिए उसको स्मरण करते हुए श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास्य सख्य आपतन विधन कहते मानस के रूप में भी आप कर सकते हो। जहाँ तेरे सुकृति क्रम में नाम कीर्तन विशेष प्रिया जन में तारा निरंतर नाम कीर्तन करते करते सकल भक्त कर कार्य करिया था। कहते पहले पहले जिनका सुकृति अभी दृढ़ नहीं है, है? अभी सुकृति दृढ़ नहीं है, फिर वो लोग क्या करते हैं, जैसे भगवान का नाम जैसे नवविधा भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सत्यम निवेदनम। कहते नवविधा भक्ति को जैसे हम मंदिर में अभी हम नवविधा भक्ति ज्यादा नहीं करते, श्रवण कर रहे हैं कीर्तन भी करते हैं स्मरण भी करते हैं पाद सेवन ठाकुर का अर्चन भी करते हैं ठाकुर जी का वंदना भी करते हैं, हैं उनका सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं जिनकी सुकृति बहुत ही पुष्ट सुकृति है, हैं लेकिन ये हरिनाम करते 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 जब ये हरिनाम कहते ना सकल साधन श्रेष्ठ यही पंचांग साधन बद्ध श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दित धरे महाशक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम ले ले पाए प्रेम धन। कहते 64 अंगों को सर्वश्रेष्ठ बताया, उसको सार करके फिर 9 तरह का भक्ति को बताया, हाँ श्रवण कीर्तन पाद सेवन उसको पहले सार करके फिर 5 तरह का बताया, क्या क्या 5 तरह का, पांचों में कोई एक भक्ति का अंग अगर आप जाजन कर लिया कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, फिर पांच को फिर सार रूप में फिर 3 बताया, क्या है श्रवण कीर्तन स्मरण, लेकिन श्रवण कीर्तन स्मरण 3, लेकिन जो कीर्तन को उन्होंने बीच में रखा, इसलिए फिर तीनों से फिर एक को लिया, वो एक क्या है भगवान की नाम कीर्तन, इसलिए उन्होंने बीच में रखा। बोले क्यों, बोले जो कीर्तन करने से वही स्मरण होता है और जो वही जो स्मरण करते वही श्रवण होता है, इसलिए कीर्तन से, इसलिए महाप्रभु बोले परम विजय के श्री कृष्ण संकीर्तन। कलयुग में जो हरिनाम संकीर्तन की विशेष विशेष जयकार हो, क्या धीरे 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 भगवान का नाम कीर्तन से जब ये जितने भक्ति का अंग है ना सब पूरी हो जाती है। इसलिए गोस्वामी उनके पास भी कोई मूर्ति थी नहीं, इनको कोई तो मूर्ति नहीं, दिन भर प्रभु का माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे भगवान के नाम जप करते थे और नाम जप करते 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 उनके हृदय में भगवान की सारी लीलाओं की स्फूर्ति अपने आप होता रहा, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कलयुग में हरि नाम संकीर्तन। लेकिन अगर हम बोलेंगे हम कुछ नहीं करेंगे बस माला लेके बैठ जाएंगे दिन भर हरे कृष्ण करते रहेंगे, नहीं अभी हमारे जो अधिकार है ना अभी इतना उन्नत अधिकार हमारा भी नहीं है, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर का समय भर कुछ बताया था ना, कुछ लोग ऐसे घर छोड़ करके आए भजन करने के लिए दिन भर मावाले पर बैठे थे, भक्तिविनोद श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो सिद्ध बाबा सब जानते हैं सब जानते हैं, बोले जाओ वहाँ पर खेती कर बैगन लगाओ वहाँ पर यहाँ साग सब्जी लगाओ जो ठाकुर की सेवा में लगेगा, फिर भगवान भक्तों की सेवा में लगेगी सुकृति होगी फिर भजन कर, बोले ये अनपढ़ है हम घर में भी ही करते थे और यहाँ पर आ गए, बोले यहाँ करना शुरू नहीं कर, हैं जब भक्तिविनोद ठाकुर आएंगे पूछेंगे, जब भक्तिविनोद ठाकुर आए बोले
हम तो पहले जो साग सब्जी खेती करते थे ये करें यहाँ भी यहीं पर क्या करो है, हम तो घर में ही सब काम करते थे। बोले देखो वो सिद्ध बाबा है, उनको पता है अभी घर छोड़ करके आए हो हैं, अभी तुम्हारी संसार की चिंता है, हरि नाम करते समय संसार की चिंता होगी, लेकिन जब ठाकुर का सेवा करेंगे उसको तरह क्या होगा, सुकृति बनेगी, सुकृति बनेगी फिर तुम्हारी भजन पुष्टि होगा, सुकृति से धीरे 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 भगवत से मन लगेगा, धीरे धीरे मन ठाकुर की सेवा में लगेगा। इसलिए पहले हमें सुकृति अर्जन करनी चाहिए। सुकृति होगा कैसे, जब हम ठाकुर का वैष्णव का हम सेवा करेंगे उसको तरह हमारी धीरे 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 सुकृति हमारी धीरे धीरे बनती रहेगी। इसलिए लेकिन ऐसे करते 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 मन जब तुम्हारी सुकृति पुष्ट हो जाए, फिर जब हरिनाम करेंगे ना, फिर हरिनाम करते समय हमारी भगवत लीला स्मरण, भगवत लीला कर स्मरण होगा। लेकिन हरिनाम करते करते अगर विषय की चिंता हो कभी अपराध हो, विषय जाने भाई कृष्ण भक्ति की बात, ये कृष्ण भक्ति की बाधाएं हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये भक्तिमय ठाकुर जैव धर्म में कहते हैं, पर धीरे 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 हम भक्ति जगत में धीरे धीरे हम बढ़ सकते हैं। अभी हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए सुकृति कैसे हमारी अर्जन हो। लेकिन सुकृति कैसे होगी, जब हम सेवा करेंगे। अब देखना जिनके लिए करो उनकी याद आएगी, अगर ठाकुर के लिए रसोई बनाओ ठाकुर के लिए फल आमन, या अगर ठाकुर के लिए मन क्या होगा उनकी चिंता नहीं करेगा। इसके लिए जिसके लिए करेंगे मन उसी की ही मन चिंतन करेगा। इसलिए पहले जितना हो सके हमें गुरु वैष्णव भगवान की सेवा करते हुए जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुकृति बना, फिर आगे धीरे धीरे भजन में बढ़ पाएंगे। ठीक है, अभी श्री प्रभुपाद इन्होंने यहाँ पर कुछ अच्छी बात बताई जिसका नाम श्री नाम भजन है निगुण रहस्य। नाम भजन करने का जो अत्यंत अत्यंत जो रहस्य बात है, अभी ये प्रभुपाद कुछ उपदेश दे रहे हैं, हम इसको कल सकेंगे। ठीक है, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama